नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई होगी 22 अप्रैल के बाद। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हो गई है शुरू। आम आदमी पार्टी के सामने बड़ा संकट, अब कौन करेगा नेतृत्व। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के बाद होगी। सुल्तानपुर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेकर की गई कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 2018 के मामले में यहां अदालत सुनवाई शुक्रवार को 22 अप्रैल तक की टल चुकी है। न्यायाधीश के अवकाशों पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकती है, जिसमें गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा के 6 साल पहले दर्ज कराया था। के वकील संतोष पांडे ने कहा है कि उनके मुकिलस्क ने गांधी के खिलाफ गैर जमानतवारी वारंट जारी करने की अर्जी अदालत में दी थी, जिसके न्यायाधीशकारी अवशेष पर चुनाई गई थी। इसलिए सुनवाई नहीं हो सकेगी और इस मामले को 22 अप्रैल के लिए सचिन्वित और पराजित कर दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली में नहीं तो पूरे देश भर में 94 निर्वाचन क्षेत्रों पर 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति की ओर से एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई। तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश के बैतूल निर्वाचन क्षेत्र में स्थगित चुनाव के लिए भी अलग से एक अधिकाशन जारी किया जाएगा, जिसमें यह चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और भी सरल उपयोग से की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के सामने अब बड़ा संकट, अब कौन करेगा नेतृत्व। केजरीवाल की जमानत पर याचिका की और सबकी निगाहें हैं। गुप्ता दिल्ली में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट का टीके हैं, जो 15 अप्रैल को प्रवर्तक निर्देश ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को चुनाव देती हुई याचिका पर सुनवाई करेंगे। केजरीवाल को राहत न मिलने की स्थिति के लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की पर अस्तित्व संकट रहा है, जिसमें दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार प्रभावी ढंग से प्रचार शुरू नहीं कर सकते हैं। पार्टी बजाय के उम्मीदवार भी नहीं होंगे, जिसमें खबरों की माने तो 62 में से 25 आम आदमी पार्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और इसके कई राज्यसभा सांसद भी परेशान है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 1 महीने से अधिक समय से अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन में डेरा डाले हुए है। उनकी वापसी के लिए कोई संकेत नहीं है। संजय सिंह और संदीप पाठक को छोड़कर अधिकांश सांसद विकल्प की तलाश में हैं, जिसमें ईडी द्वारा गांव में हुए इस प्रवर्तक में कई बार बात की गई है, जिसमें गुप्ता जी का भी कोई 20 से 25 बार छापे मारने के बाद पार्टी कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता और विधान दुर्गत पाठक से पूछताछ की जाएंगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो सारा देश को ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।